सो ऑल द होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स, आई नो गाइज आपका एग्जाम हो चुका है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. रिजल्ट कब आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन से मेरा कमेंट सेक्शन भर चुका है गाइज. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है, क्या लास्ट ईयर की तरह इस बार भी रिजल्ट लेट आने वाला है. लास्ट ईयर क्या हुआ था गाइज, जब आपकी एग्जाम हुई थी ऑन 10th ऑफ अगस्त, रिजल्ट आया था आफ्टर 1 मंथ. दैट मीन्स आपका रिजल्ट आया था 10th ऑफ सेप्टेम्बर को, आया था आफ्टर आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. सो रिजल्ट कब आने वाला है गाइज, रिजल्ट तो आएगा 18th जून को आपका एग्जाम हुआ है, एंड रिजल्ट विल टेक अप टू 15 to 20 days. उसके पहले आपकी आंसर की रिलीज होने वाली है. सो वहाँ आप क्या कर सकते हो, जैसे आंसर की रिलीज होगी विल मेक अनदर वीडियो सून. सो दैट्स वाई सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड इन द आंसर शीट आपको इवैल्यूएट करना है कितने आंसर्स आपके राइट है, रॉन्ग है, आप क्लेम कर सकते हो. एक बार रिजल्ट आउट हो चुका तो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर द रिजल्ट, काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर काफी सारे डाउट्स रहेंगे इन योर माइंड. सो गाइज आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेरीज, एंड सून विल मेक अनदर वीडियो आफ्टर द रिजल्ट, एंड दैट इज विल बी ऑल अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस. यस गाइज, सो batches we already launched, all those candidates who are preparing for 2023 and 2024 wanna target the top IHMs, then guys you can enroll with us for NCHM City JEE, for EJAT to enter into the IIHMs and the IHM Aurangabad, the private one. Call on respective numbers and book your seat right now. You will get all these features, mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects, you will get preparation for GDE, VAT and PI too if you are looking for IIHMs and the EJAT, and you will get complete guidance about the काउंसलिंग प्रोसेस. सो लेट्स टॉक अबाउट दी स्टैट्स. 2021 में जो एग्जाम हुई थी दैट वॉज ऑन 10th ऑफ अगस्त, और इस बार एग्जाम हुई है 18th ऑफ जून. सो काफ़ी जल्दी एग्जाम हो चुकी है, एंड एज पर द लास्ट ईयर फॉर्मूला रिजल्ट जो आउट हुआ था 10th ऑफ सेप्टेम्बर, सो इट टुक ऑलमोस्ट 1 मंथ. ओके, एक मंथ के बाद आपका रिजल्ट आउट हुआ था. बट इन 2022 क्या सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है? नहीं गाइस, नॉट एट ऑल. ऑलमोस्ट 15 to 20 days ये सफिशियंट है. लास्ट ईयर का जो एकेडमिक सेशन था वो भी काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ था, काउंसलिंग प्रोसेस भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था. 13th ऑफ सेप्टेम्बर एंड 16th ऑफ सेप्टेम्बर के बीच ये फर्स्ट काउंसलिंग राउंड था. गाइज आपके काउंसलिंग राउंड, 4 काउंसलिंग राउंड होते हैं यहाँ, और इसके लिए इन डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ. इस वीडियो में भी बात करने वाले हम कि काउंसलिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, रिजल्ट के बाद में क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है. सो एडमिट कार्ड आउट हो चुका था आपका 14th ऑफ जून to 18th ऑफ जून के बीच, एंड 14th ऑफ जून को ऑब्वियसली जो आपके सिटी प्रेफरेंसेस थे उनको लेकर एक नोटिस आउट हुआ था. 18 जून आपका एग्जाम हो चुका है. 15 to 20 days इट विल टेक फॉर द रिजल्ट. उसके पहले बिटवीन 10 days, ओके, बिफोर 28th आपके आंसर की रिलीज हो जाएगी. सो आंसर की से आप क्लेम कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस आए थे और आपने क्या आंसर्स दिए थे. ओके, विल मेक अनदर वीडियो सून. एंड वेन विल बी द काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट इन 2022? इट विल बी स्टार्ट 3rd week of July और इन द 1st week of August. यस गाइस, इस बार जो आपके एकेडमिक सेशन है वो लेट नहीं होने वाले. सो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में एक और वीडियो आने वाला है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस व्हाट एक्जैक्टली इट इज. सो स्टे ट्यून्ड विद आवर यूट्यूब चैनल, एंड डोंट वरी एट ऑल, जो भी आपके डाउट्स है सारे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो. एज पर द मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन विल मेक अनदर वीडियो सून. लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हियर. यस माय फ्रेंड्स, सो व्हाट एक्जैक्टली द काउंसलिंग प्रोसेस इज, इट इज अ कॉमन एडमिशन प्रोसीजर. आपको कोई भी IHM चाहिए, जैसे आपने NCHM सिटी JEE की एग्जाम दे दी है, नाउ यू आर लुकिंग फॉर द टॉप IHMs. सो टॉप IHM में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलने वाली गाइस, यू हैव टू गो थ्रू अ सेंट्रलाइज प्रोसेस जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर IHM पूसा, IHM मुंबई, बैंगलोर और गोवा और अनदर वन, देन आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है. सो विच आर दो स्टेप्स, दीज आर रजिस्टर ऑनलाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्टर करना होगा. हियर यू विल एंटर कंप्लीट डिटेल्स, आपके स्कोर भी एंटर होने वाले हैं. देन आफ्टर यू हैव टू मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फिल योर चॉइस ऑफ फिलिंग. आप कौन से टॉप IHM के लिए जा रहे हो, सो गिव देम प्रेफरेंस 1. ओके, सो फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया आपने IHM पूसा, सेकेंड वन IHM मुंबई, थर्ड प्रेफरेंस आपने दे दिया IHM बैंगलोर, एंड फोर्थ वन आपने दे दिया गोवा. नाउ सी ओवर हियर, चॉइस ऑफ फिलिंग एंड लॉकिंग, अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप इन प्रेफरेंस को लॉक नहीं करोगे माई फ्रेंड्स, आपको लॉक करना भूलना नहीं है. अगर ये अनलॉक रहेगा देन वॉट विल हैपन, आपने कोई प्रेफरेंस नहीं दिया. जब आप इसे लॉक करोगे देन ओनली दीज प्रेफरेंस विल बी कंसिडर्ड. सो आपको लॉक करना नहीं भूलना है. दे आफ्टर ऑथोरिटी विल रिलीज अ सीट अलॉटमेंट लेटर. सीट अलॉटमेंट जिसमें आपको आपके ड्रीम कॉलेज या आपके जो भी डिजायर कॉलेज है एज पर योर कट ऑफ मार्क आपको एक सीट अलॉट होने वाली है. अब उस बेस पे आपको क्या करना है, आइदर यू वॉन्ट अ फ्रीज दैट सीट, एक्सेप्ट करनी है आपको, तो आपको वो सीट ले लेनी है. उसके लिए प्रोसेस क्या है, यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड कर दोगे और फीस भी ऑनलाइन पे करने वाले हो. अब ये फीस हो सकती है आपकी 40,000 rupees. 40,000 काफ़ी ज़्यादा फीस है, नॉट एट ऑल गाइज. यहाँ जो काउंसलिंग प्रोसेस की जो फीस है दैट इज ओनली ऑफ
2000 रुपीस। ओके, नाउ रिमेनिंग 38,000 ये आपके डिपॉजिट होने वाले हैं सेम फर्स्ट की फी स्ट्रक्चर में। यस गाइस, अब आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, दे आफ्टर यू हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर आपको IHM पूसा मिला है देन गो टू IHM पूसा और वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लेने हैं एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आपको हॉस्टल की फीस पे करनी है एंड वेलकम टू IHM पूसा। दैट्स सिंपल प्रोसेस गाइज। इन केस फर्स्ट राउंड में आपको पूसा नहीं मिलता है, आपको मिल जाती है IHM मुंबई। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, आपको तो पूसा चाहिए, देन यू विल पार्टिसिपेट इन दी सेकेंड राउंड। ओके, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे, वहां वापस प्रेफरेंस दोगे। अब सेकेंड राउंड में आपको पूसा मिल गया देन आप पूसा के लिए वापस एडमिशन ले सकते हो। सो काफी सिंपल प्रोसेस है गाइज, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है। सो टिल नाउ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आने वाली आंसर की, दे आफ्टर रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। विल मेक अनदर वीडियो सून एंड वन ऑफ प्रिपरेशन दैट जॉइन क्लासरूम कोचिंग एट मुंबई। कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड बुक योर सीट। फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स सच एज़ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।